अलवर जिले के भरोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेशनल हाईवे 48 पर दहमी गांव के पास ट्रेलर और प्राइवेट बस के बीच भिड़ंत हो गई। वहीं टक्कर के बाद बस सीधे नाले में जा गिरी, जिससे बस में सवार एक दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर हाहाकार मच गया। आसपास मौजूद लोगों ने घायलों को बस से निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सूचना के बाद भरोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। बस दिल्ली से खाटू श्याम के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से भरी हुई थी। घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। भरोड़ पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार ने बताया कि सुबह 5:30 बजे के करीब बस और ट्रेलर के बीच टक्कर हो गई, जिससे एक दर्जन से अधिक श्रद्धालु घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। मामले की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस के द्वारा क्रेन मंगाकर दोनों वाहनों को एक्साइट कर दिया है और यातायात को सुचारू रूप से चालू कर दिया है। घटना के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम लग गया था। हादसे के दौरान बस में सभी श्रद्धालु सो रहे थे और अचानक तेज धमाके के बाद उनकी आंखें खुली तो यह हादसा पाया। दुर्घटना के बाद बस में हड़कंप मच गया और अपनी जान बचाने के लिए बस से सभी लोग कूदने लगे। हादसे के बाद ट्रेलर चालक खलासी ट्रेलर छोड़कर मौके से फरार हो गए। घायल श्याम भक्तों के बारे में पुलिस अभी जानकारी जुटा रही है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर भरोड़ दहमी गांव के पास दिल्ली से खाटू श्याम जी जा रही प्राइवेट बस पर ट्रेलर में टक्कर हो जाने से बस में हाहाकार मच गया। साथ ही घटना में एक दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल कृष्ण कुमार ने बताया कि घटना सुबह करीब 5:30 बजे की है, जहां पर भरोड़ के दहमी गांव के पास दिल्ली से खाटू श्याम जा रही बस के आगे ट्रेलर चालक ने ओवरटेक करते समय अचानक ब्रेक लगा लिया, जिससे बस ट्रेलर से जा टकराई और यह हादसा हो गया। गनीमत रही बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। बस चालक ने बस को नाले में दे दिया। वहीं बस में सवार श्रद्धालुओं ने बताया कि दिल्ली से बाबा श्याम के दरबार में दर्शन करने जा रहे थे। जैसे ही भरोड़ के पास पहुंचे तो बराबर चल रहे ट्रेलर चालक के द्वारा ओवरटेक करने के चक्कर में बस के आगे ट्रेलर लगा दिया, जिससे यह हादसा हो गया।